हाँ वैसे अभी तो गौरीकुंड से आ रहा हूँ, लेकिन परसों में ऋषिकेश से निकला था साइकिल से ही। अच्छा, ऋषिकेश से साइकिल से भी दिक्कत हो रही है, लेकिन बहुतों ने बोला कहाँ ले जाएगा, नहीं चल पाएगी, लेकिन अगर शौक पूरे नहीं होंगे तो भाई। केदारनाथ धाम में यात्री अलग अलग सुविधाओं से ऊपर यात्रा मार्ग पर केदारनाथ धाम की तरफ पहुंच रहे हैं, कोई घोड़ा कर रहा है तो कोई खच्चर कर रहा है तो कोई डांडीकंडी से ऊपर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक युवा हमें दिखे हैं जो कि साइकिल लेकर ऊपर आ रहा है। और हमने देखा कि इनकी जो साइकिल है इसमें फ्लैग भी लगा हुआ है, जो हमें काफी अट्रैक्ट किया और हमें यहाँ पर रुकने के लिए मजबूर कर दिया। तो इनके बारे में और भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध बिजलवान। अनिल? अनिरुद्ध बिजलवान। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध आप ये यात्रा मार्ग आई थिंक गौरीकुंड से आ रहे हैं क्या ऊपर? हाँ वैसे अभी तो गौरीकुंड से आ रहा हूँ, लेकिन परसों में ऋषिकेश से निकला था साइकिल से ही। अच्छा, ऋषिकेश से साइकिल से? जी जी जी। तो ये कितना किलोमीटर हो गया ऋषिकेश टू गौरीकुंड? ऋषिकेश टू गौरीकुंड 200 कुछ हो गया, 200 किलोमीटर। तो इतना ये साइकिल से ही आ रहे हैं, पहले तो ये बताइए आप किसने कहा कि साइकिल से चलते हैं? बस क्रेज था, खुद से ही? जी जी जी। क्या पेट्रोल बच रहा है? बढ़िया। ना ना उसकी दिक्कत नहीं है, पिछले बार आया था बाइक से, फिर बाद में ऐसी जोश चढ़ा दोस्तों के साथ तो आ गए। अच्छा, ये बताइए ये यात्रा मार्ग तो इतना कठिन है ऊपर, क्योंकि बिल्कुल प्लेन रोड तो नहीं है, तो आपको चढ़ाई में दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत हो रही है, लेकिन बहुतों ने बोला कहाँ ले जाएगा, नहीं चल पाएगी, लेकिन अगर शौक पूरे नहीं होंगे तो भाई ऐसे शौक पूरे नहीं होंगे। अच्छा, पेरेंट्स ने कुछ कहा नहीं आप साइकिल से जा रहे हो, दिक्कत हो गई तो? बोला तो था, लेकिन फिर बच्चों की जीत है। जी जी जी। तो मम्मी पापा बीच बीच में अपडेट ले रहे हैं आपसे? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, कॉल करते रहते हैं। अभी ये वापस भी आप इसी से जाने? हाँ जी, वापस भी इसी से जाएंगे। तो ये अनिरुद्ध हैं जो कि साइकिल से यात्रा कर रहे हैं और वापस भी इसी से जाने वाले। 200 किलोमीटर से ज्यादा ये साइकिल से यहाँ पर चढ़ चुके हैं और कड़कड़ाती ठंड में स्नोफॉल यहाँ पर लगातार हो रहा है, और ऐसे में भी कड़कड़ाती ठंड में ये साइकिल से इतना संघर्ष कर रहे हैं। ये बाबा की भक्ति ही है जो इतनी एनर्जी यहाँ पर देती है बच्चों को, युवाओं को और जो बुजुर्ग यहाँ पर उनको। मैं सरिता तिवारी, कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ, उत्तराखंड तक केदारनाथ।